तो देखिए ब्लैक पाउडर का बर्न टेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। ये कस्टम मेड ब्लैक पाउडर से लोड 6 साढ़े 6 mm शॉर्ट सेल वाला एक कार्ट्रिज है। इसमें लगभग 28 ग्राम के आसपास 6.5 मिलीमीटर वाले लेड शॉर्ट्स हैं और इसका पेनिट्रेशन है इस लकड़ी के फट्टे पर, जहाँ थोड़ा साफ सी जगह है यहाँ शॉर्ट्स नहीं है, इधर एम लेकर के करूँगा। देखता हूँ 6.5 ग्राम ब्लैक पाउडर क्या कमाल दिखा पाता है। धन्यवाद। इससे पहले एक ही है, अब देखता हूँ ये ज़्यादा डैमेज करता है या ब्लैक पाउडर ज़्यादा डैमेज करता है। धन्यवाद दोस्तों। मैंने कार्ट्रिज चैम्बर में डाल दिया है और मैं एम भी ले लिया है और फायर करने के लिए मैं तैयार हूँ। देखता हूँ किस प्रकार का पेनिट्रेशन और डैमेज देखने में आएगा। ये देखिए फायर। अब देखते हैं, आवाज़ तो ठीक हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पैलेट्स लगे हैं क्योंकि 6.5 नंबर का थोड़ा हैवी शॉर्ट्स होता है, तो 15-16 पैलेट ही आ पाए हैं। ये इसका रिजल्ट है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2-3 पैलेट्स ऊपर वाले फट्टे में लगे हैं, तो ठीक ठाक ही रिजल्ट रहा है और आवाज़ भी सही थी। और ये आप ये देख सकते हैं, इस मुकलेस वाला है, इसमें लगभग लगभग पार हो गए। और ये कितने गहरे हैं, ऑलमोस्ट पार हो गए। तो ब्लैक पाउडर ये काफ़ी लो पावर है और इसी कारण कोई खास ना तो आवाज़ हुई और ना ही पेनिट्रेशन हुआ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। एक चीज़ में बताने ध्यान नहीं रही, आप पहले के इसी सेम छर्रे के ग्रुप देखिए कितना क्लोज बना है। ये देखिए कितना क्लोज बना है। इसका एक मेन कारण ये था कि जो इसमें मैंने वेड यूज़ की थी वो केवल प्लास्टिक का ऊपर का ओवरशॉट वेड थी, वेड मेरे पास नहीं थी। और इनमें जो है ओरिजिनल जो वेड होती है वो यूज़ की थी, इस कारण भी पेनिट्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क आया है। क्योंकि ये बिना वेड के था, केवल एक प्लास्टिक का जो ऊपर कारतूस के ऊपर एक शॉर्ट ओवरशॉट कार्ड होता है वही था और ऊपर भी वही था। वेड ना होने के कारण भी एक समस्या है जिससे जो है काफ़ी चौड़ा स्प्रेड हुआ है। दोस्तों ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी आतिशबाजी ग्रेड वाले फायरवर्क्स ग्रेड के ब्लैक पाउडर के साथ कि ये 12 बोर में काम करता है या नहीं। एक यूज़र की मेरे पास जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी रिक्वेस्ट आई थी कमेंट के माध्यम से, तो उसमें मैंने ये टेस्ट करके दिखाया। तो दोस्तों बेसिकली ब्लैक पाउडर जो आतिशबाजी ग्रेड का होता है वो काफ़ी लो पावर होता है, उसका बर्न रेट इतना फास्ट नहीं होता कि जो 12 बोर गन में काम कर जाए। हालांकि मामूली काम करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी काम ना करे, लेकिन आतिशबाजी ग्रेड का ब्लैक पाउडर बिल्कुल भी चला करके गन में फ़ायदा नहीं है। एक तो ये 6.5 ग्राम था, इससे बहुत ज़्यादा धुआं हुआ गन में, बहुत जल्दी रस्ट लगने का ब्लैक पाउडर से ख़तरा रहता है। ब्लैक पाउडर चलाने के बाद इमीडिएटली गन साफ़ करनी पड़ती है, तो हमने तुरंत गन अच्छे साफ़ की, पूरी बैरल क्लीन की, तब जा कर के ये हमारी गन बिल्कुल ओके हुई। तो दोस्तों ये आपको दिखा दें, ये ब्लैक पाउडर होता है, ये भी आतिशबाजी वाला ब्लैक पाउडर है जो इस वीडियो में आपने देखा। यार ये तो एक मदर लोडर वाली वीडियो है, इसमें भी हमने टेस्ट किया था। तो ब्लैक पाउडर बहुत पहले मदर लोडर में इस्तेमाल करते थे लोग, और आज भी जो है होममेड ब्लैक पाउडर हिमाचल में और अन्य नागालैंड में कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में लोग करते हैं। तो ब्लैक पाउडर के अलग अलग रेसिपी होती हैं, जितना ज़्यादा फास्ट बर्निंग ब्लैक पाउडर होगा उतना ज़्यादा ये अच्छा काम करेगा, और जितना ज़्यादा स्लो बर्निंग ब्लैक पाउडर होगा उतना घटिया पेनिट्रेशन आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने का भैया प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।